हेलो फ्रेंड्स, गूगल वेब स्टोरेज में जो एएमपी प्रॉब्लम आपके सर्च कंसोल में आ रही है उसको कैसे सॉल्व करना है, इस वीडियो में इसके बारे में बताऊंगा। तो जैसे कि आपका जो वेब स्टोरेज है, अगर आप सर्च कंसोल में आओगे, वेब स्टोरेज अगर आपका डिस्कवर में आ चुका होगा तो यहाँ पे आपको डिस्कवर का सेक्शन यहाँ पे ऑन हो जाएगा और नीचे यहाँ पे एक जो है वो एएमपी का सेक्शन ऑन हो जाता है। और इस एएमपी के सेक्शन पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको जो है वो एरर का प्रॉब्लम आएगा। ठीक, तो जो भी एरर आपका आ रहा हो, चूंकि मेरे जो वेबसाइट है उसमें कोई भी एएमपी का प्रॉब्लम नहीं है, और वो क्यों नहीं है, मैंने ऐसा क्या किया है वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आपके में जो एरर आ रहा है उसको सॉल्व कैसे करना है। तो मैं यहां पे आपको बता दूं कि जिसके भी एएमपी के प्रॉब्लम आ रहे हैं वो इसलिए आ रहे हैं कि आपका जो प्लगइन है, जो भी आपका एसईओ प्लगइन है, अगर आप योस्ट एसईओ प्लगइन का फ्री वर्जन यूज कर रहे हो तो एक्चुअली एएमपी में जो वेब स्टोरेज जो है वो उसके साथ कंपेटिबल नहीं है। ठीक है, तो कंपेटिबल ना होने के कारण वो एएमपी प्रॉब्लम जो है वो दे रहा है अगर फ्री वर्जन यूज करते हो। तो जो भी प्रॉब्लम आ रहा है उसको सॉल्व करने का एक तरीका है कि आप जो है योस्ट एसईओ को चेंज कर दो, उसको रैंक मैथ वाला जो एसईओ प्लगइन है उसको आप यूज करो। रैंक मैथ के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने रैंक मैथ ही यूज किया हुआ है। दूसरा जो उपाय है वो ये है कि आपको अपने जो वर्डप्रेस का जो ये वेबसाइट है, वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पे आना है, आपको अपने प्लगइन में जाना है और प्लगइन में जाकर के आपको एक प्लगइन यूज करना है जिसका नाम है डब्ल्यूपी रोलबैक। ठीक है, डब्ल्यूपी रोलबैक प्लगइन आप यूज करोगे, इसको आप सर्च कर लोगे यहां से। ठीक, एड न्यू पे जाकर के आप जो है यहां से सर्च कर लोगे उसके सर्च में, इस सर्च प्लगइन में यहाँ पे WP Rollback लिख करके आप सर्च करोगे, ये पहला जो प्लगइन आएगा यहाँ पे ये वाला, इसको आपको इंस्टॉल करके एक्टिवेट कर लेना। मैंने एक्टिवेट कर लिया है। तो आपको फिर एक्टिवेट करने के बाद अब आपको क्या करना है, तो एक्टिवेट करने के बाद आपको यहाँ पे फिर से यहाँ पे आना है और यहाँ जो है आपको वेब स्टोरेज का जो प्लगइन आपने यहाँ पे इंस्टॉल किया है इसके रोल बैक पे चले जाना है। ठीक, इसके रोल बैक पे आप जाओगे और वहाँ पे आपको क्या करना है कि इसका अभी जो वर्जन चल रहा है वो 1.150 वर्जन चल रहा है, तो इसको आपको क्या करना है कि 1.1 में यहाँ पे जो स्टार्ट हुआ था इस वाले वर्जन पे आपको कर लेना है और यहाँ पे कर देना है रोल बैक। ठीक, तो ये क्या करेगा कि आपको जो है आपका 1.15 से 1.111 पे जो है वो ले जा करके पहुँचा देगा, रोल बैक कर देगा, मतलब इसको प्रीवियस वर्जन में ले जाएगा। प्रीवियस वर्जन में जब ले जाएगा तो आपके प्लगइन के साथ कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी, क्योंकि प्रीवियस वर्जन के साथ ही ये जो है वो कंपेटिबल है, लेकिन जो अभी नए नए जो अपग्रेड होते जा रहे हैं तो उसमें क्या है कि ये योस्ट एसईओ के साथ कंपेटिबल नहीं है। अगर योस्ट, अगर ये काम आप नहीं करना चाहते हो तो आपको सीधा सीधा क्या करना है कि रैंक मैथ का प्लगइन जो है वो यूज करना है। रैंक मैथ आप इंस्टॉल कर लोगे, इसका वीडियो यूट्यूब पे पड़ा हुआ है, कैसे इंस्टॉल करना है, सेटअप कैसे करना है, वो सारा चीज़ आपको पड़ा हुआ है। रैंक मैथ एसईओ वेब स्टोरी के साथ जो है पूरी तरह से कंपेटिबल है, तो यहाँ पर रैंक मैथ आप जो इंस्टॉल कर लोगे तो आपको वो सारे ऑप्शन यहाँ पर मिल जाते हैं। यहाँ पे रैंक मैथ में खुद जो है वो गूगल वेब स्टोरेज का ऑप्शन आपको मिल जाता है ऑन करने का। तो ये पूरी तरह से इसके स्कीमा, मेटा टैक्स, सारे चीज जो है वो रैंक मैथ से हो जाते हैं। तो अगर आपको जो है वो गूगल वेब स्टोरेज में कोई भी प्रॉब्लम नहीं चाहिए तो आप जो है रैंक मैथ का ही यूज करो। मैं भी रैंक मैथ ही यूज करता हूँ। ठीक, तो और इसके करने के बाद अगर जो आपने मैंने रोल बैक वाला जो बताया वो करने के बाद आपको क्या करना है कि अपने फिर यहाँ पे एएमपी पे जाना है और जो भी एरर आ रहा होगा उस एरर पे आपको क्लिक करके फिक्स वैलिडेशन कर देना है। ठीक, तो ये अपने आप जो है फिक्स हो जाएगा। तो एक काम ये कर सकते हैं, अगर वो नहीं कर सकते तो आप जो है आप अपने प्लगइन को रैंक मैथ में चेंज कर लो, सारा सेटअप चेंज कर लो और फिर आप ये गूगल वेब स्टोरेज को यूज करो। ठीक, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैं अपने वेबसाइट का आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ। ये जो वेबसाइट है मेरा, अभी जब मैं पिछले कई वीडियोस से बता रहा हूँ कि इस वेबसाइट पे मेरा जो वेब स्टोरेज है वो रैंक हो रहा है, वेब स्टोरेज पे ट्रैफिक आ रही है, तो वो चीज़ मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे मैंने दिखाया आपको डिस्कवर में कि ये देखिए ट्रैफिक जो है डेली बढ़ते जा रहा है। ठीक, यहाँ पे आप देखोगे 8000 इम्प्रेशंस है और 2213 क्लिक्स हैं। ठीक, तो ये आप देख सकते हो कि डेली बढ़ रहा है। तो इसी तरह से, तो वो इसी वेबसाइट पे हो रहा है। इस वेबसाइट पे आप देखोगे अभी तक मैंने सिर्फ 6 जो है वेब स्टोरीज पब्लिश किया हुआ है और इसमें कोई भी इशू नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि सर्च कंसोल में कोई भी इशू आपको नहीं दिखेगा। मैं इतने दिन से यूज कर रहा हूँ, इसमें आपको कोई भी इशू नहीं दिखेगा। तो ये क्यों नहीं दिखेगा, क्योंकि मैंने इसमें बहुत ज़्यादा कुछ यूज़ नहीं किया हुआ है। प्लगइन्स में आप जाओगे तो प्लगइन में मैं आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पे आप देखोगे कोई भी मेरा प्लगइन, देखो एक भी एक्स्ट्रा प्लगइन मैंने यूज़ नहीं किया हुआ है।
यहाँ पे मैं एक जो काचे के लिए ये प्लगइन यूज़ करता हूँ, लाइट स्पीड काचे, जो कि पेज का परफॉर्मेंस जो है वो बढ़ा देता है। ठीक, उसके बाद जो है रैंक मैं SEO में यूज़ कर रहा हूँ। ठीक, और उसके बाद और आप देखो कि यहाँ पे और कुछ भी नहीं है, वेब स्टोरेज है। और इस पे जो मैंने आप इस पे जो मैंने ये SSL सर्टिफिकेट जो लगा के रखा है और जो भी है वो मैंने क्लाउड फ्लेयर से लगा के रखा है। क्लाउड फ्लेयर में आप फ्री में आप जो है अपने वेबसाइट को सबमिट कर सकते हो और वहाँ से SSL सर्टिफिकेट जो है वो फ्री में आप यहाँ से ले सकते हो। ठीक, यहाँ से आपको SSL सर्टिफिकेट मिल जाता है, ये आप देख सकते हो। ठीक, और इसको आप अपने वेबसाइट में इंक्लूड कर सकते हो। यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो आप देखो यहाँ पे DNS, इस यहाँ पे अपने वेबसाइट में ऐड करने के लिए आपको DNS मैनेजमेंट करना होता है। ये आप देख सकते हो, यहाँ पे DNS पे आप जाओगे तो आपको DNS पे यहाँ पे इतने सारे मिल जाएंगे, तो ये DNS आपको मैनेज करना होता है। और इस DNS में यहाँ पे आप देखोगे तो मैंने यहाँ पे अपना जो है DNS मैनेज किया हुआ है, अपने होस्टिंगर का जो MX रिकॉर्ड है वो मैंने ला करके यहाँ पे डाला हुआ है। और इसका जो नेम सर्वर है, क्लाउड फ्लेयर का जो नेम सर्वर, ये दो जो दिया गया है इसको मैंने होस्टिंगर वाला DNS में ले जा करके डाला हुआ है। तो ये क्या हुआ है, क्लाउड फ्लेयर का सर्विस आपको पता है बहुत ही फास्ट होता है। तो यहाँ पे इसकी स्पीड अगर आप चेक करोगे तो आपको दिख जाएगा। ये देखिए, आप विजिटर्स टू योर वेबसाइट सी कंटेंट इन 0.7 सेकेंड में, मतलब यहाँ पे देखिए ये पूरा चेक करके आपको बता है कि मेरे वेबसाइट को 0.7 सेकेंड में ये पूरा ओपन हो जाता है। ठीक, तो ये कितना फास्ट है। तो इसकी वजह से कोई भी AMP प्रॉब्लम मेरे वेबसाइट में नहीं आता है। तो मैंने यही काम किया हुआ है। अगर आपने आपका होस्टिंग जो है वो ऑलरेडी क्लाउड फ्लेयर प्रोवाइड कर रहा है तब तो ठीक है, अगर नहीं कर रहा है तो आप जो है यहाँ पे आप सीधा क्लाउड फ्लेयर पे फ्री में आप कर सकते हो। क्योंकि मेरा एक होस्टिंग पे दो वेबसाइट है, इसलिए एक वेबसाइट पे तो होस्टिंगर की होस्टिंग जो है यहाँ पे होस्टिंगर जो है वो एक वेबसाइट पे फ्री में प्रोवाइड करता है क्लाउड फ्लेयर का, लेकिन दूसरे वेबसाइट पे फ्री में नहीं है। तो इसके लिए मैंने क्या किया है, यहाँ से क्लाउड फ्लेयर से सारी चीज़ें जो है वो अपने वेबसाइट में सेटअप की हुई है, जिसकी वजह से कोई भी प्रॉब्लम जो है मेरे सर्च कंसोल में नहीं आती है। तो ये चीज़ आपको जो है अपने AMP को सब AMP का जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए यही चीज़ आपको करना है। मैंने भी यही काम किया हुआ है। इसके अलावा आपको और कोई भी चीज़ नहीं करनी है। AMP के लिए अलग से कोई प्लगइन नहीं डालना है, AMP का प्लगइन इंस्टॉल नहीं करना है। ठीक, जो है वो यही करना है। तो इतना बात आप ध्यान रखोगे आपका AMP प्रॉब्लम जो है वो बिल्कुल सॉल्व हो जाएगा और कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आ गई होगी। वेब स्टोरेज से रिलेटेड जो भी आपको प्रॉब्लम आ रही होगी या वेब स्टोरेज से जो भी चीज़ें आपको सीखनी होंगी, आप मेरे चैनल पर जाओगे, आपको स्टार्टिंग में यहाँ पे जो है वीडियोस मिल जाएंगी। आप देखोगे पिछले मैं कई दिनों से वेब स्टोरीज पे ही वीडियो डाल रहा हूँ, तो आप उसमें सारी चीज़ें मैंने कवर की हुई है एक एक करके। तो यहाँ पे आप जो है उसको समझ जाओगे, देख करके अच्छे से सीख जाओगे। ठीक, एक वीडियो यहाँ पे है, बाकी ये वीडियोज़ यहाँ पे हैं और आप देखोगे यहाँ पे भी और वीडियोज़ हैं। ठीक, तो फ्रेंड्स आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, समझ में आ गई होगी। और कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे किसी भी सोशल मीडिया पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, तो लिंक्स जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो चलिए, इस वीडियो में इतना ही है, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।